हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी बिग बॉस। आप जैसा कि देख रहे हो, बिग बॉस मराठी में जितने भी टास्क होते हैं उसमें शक्ति और युक्ति से टास्क करना ज़रूरी होता है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि युक्ति से ज़्यादा तो शक्ति ही आजमाई जाती है। अगर बात करें 2 हफ्ते पहले की, तो राजेश सबसे स्ट्रांग कंटेस्टेंट माने जाते थे, जो कि अपनी युक्ति से ज़्यादा तो अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। लेकिन राजेश की जगह अब आस्ताद ने ले ली है, ऐसा देखा जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घर 2 ग्रुप में बंट चुका है। एक ग्रुप में रेशम, सुशांत, आस्ताद, स्मिता, जुई और भूषण हैं, और दूसरे ग्रुप में मेघा, सई, पुष्कर, त्यागराज, आउ और शर्मिष्ठा है। अगर बात करें दूसरे ग्रुप की, तो उसमें फाइट करने वाला सिर्फ पुष्कर ही है, जो हर टास्क में अपना 100% दे रहा है। त्यागराज भले ही मेगा के टीम में है, लेकिन देखा गया है कि वो रेशम के टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। थेम्बे थेम्बे पानी साचे टास्क में अगर आपने देखा होगा कि जुई ने आस्ताद को कैसे गिरा दिया था, लेकिन राजेश के जाने के बाद वही आस्ताद अब घर का शेर बन गया है और अपनी शक्ति का गलत उपयोग हर टास्क में कर रहा है। ज़्यादा शक्ति का उपयोग करने के कारण अंडे का फंडा टास्क में पुष्कर को चक्कर आ गया था। अगर देखा जाए तो मेगा के टीम से पुष्कर ही ऐसे मर्द है जो फाइट करते हैं, और वो अकेले रेशम के पूरे टीम से नहीं लड़ सकते। सही के इंजरी के कारण वो चाहकर भी टास्क में पूरी तरह हिस्सा नहीं ले पा रही है, जिससे मेगा के टीम को नुकसान हो रहा है। आस्ताद को ये बात पता है कि उसे टक्कर देने वाला अब घर में कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी शक्ति से सबको हराना चाहता है। हमें पता है कि आप हमारी बात से सहमत है, फिर भी आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स द्वारा बताइएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।